यही मामला अगर फैमिली का है तो फैमिली में भी कार्य निश्चित रखिए कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज के रिगार्डिंग है, कौन घर के बिजली बिल का ध्यान रखेगा, कौन घर के खाने का ध्यान रखेगा, कौन किचन का ध्यान रखेगा, कौन बाजार से सामान खरीद के लाने का ध्यान रखेगा और कौन कमाने का ध्यान रखेगा, कौन बच्चों के परवरिश का ध्यान रखेगा, कौन उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखेगा और कौन इस बात का ध्यान रखेगा कि पूरी फैमिली में हार्मोनी बना रहे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटे से एग्जांपल से बात शुरू करेंगे। जैसे कि भारतवर्ष में वर्षों से परंपरा रही है कि घर का मुखिया कमाई के साधन पे ध्यान देता है, यानी कि किस प्रकार से उपार्जन किया जाए, धन बनाया जाए घर के लिए, इसका ध्यान देता है। वहीं पे घर की जो माताएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, घर को संभालने का ध्यान रखती है। दादा दादी का या नाना नानी का काम होता है कि छोटे बच्चे जो घर में नए हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको संस्कार सिखाया जाए, उनको व्यवहार सिखाया जाए, सांसारिक व्यवहारिक बातों के बारे में उनको सिखाया जाए। चाचा चाची मामा मामी रिश्तेदार होते हुए भी समय आने पे मिलजुल के काम करने के तरीकों को सिखाते हैं। जैसे कि घर में कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, कोई बहुत बड़ा अरेंजमेंट हो, वो कंट्रीब्यूशन देते हैं एज ए टीम प्लेयर और वो फंक्शन सफल होता है। इसी प्रकार से परिवार बेहतरीन तरीके से संभाला जाता है क्योंकि हर किसी की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होती है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली बताई गई होती है कि किस तरीके से किस व्यक्ति को क्या कार्य करना है और किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। लेकिन कई बार इसी के उलट जब लोगों के अंदर व्यवहारिक ज्ञान की कमी हो जाती है या फिर टीम मैनेजमेंट की कमी हो जाती है तो चीजें गड़बड़ होने लगती है। जैसे कि कमाई करने वाले पिता को अपने धन का घमंड होने लगे तो वह घर बर्बाद होने लगता है। इसी तरीके से माताएं बहनें जो घर को संभालती हैं उनको इस बात का दंभ होने लगे कि वही तो घर चलाती है और कई बार वो खुद भी रोजगार करती हैं या कोई जॉब करती हैं, वैसे परिप्रेक्ष्य में उन्हें लगने लगता है कि वो सब कुछ कर सकती है और इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करने की जगह इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचने लगती है, यानी कि उन्हें लगता है कि वो कहीं भी जाएं खुद अपना ख्याल खुद ही रख सकती हैं। दादा दादी अगर अपने बच्चों को संस्कार ना दें तो भी काम की बात नहीं है और इसी तरह से रिश्तेदार अगर समय पे आपके काम ना आए तो वो परिवार बिखर सा जाता है। बेहतर सा एग्जांपल है पश्चिमी सभ्यता में ज्यादातर फैमिली इंडिपेंडेंट रहती है, यानी अकेले रहती है, सिर्फ मदर फादर और उसके बच्चे साथ में रहते हैं और ज्यादातर लोग एक पर्टिकुलर समय के बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और इसी रीजन से वहाँ बहुत सारे परिवार छत बिछत भी होते रहते हैं। तो अब इसी एग्जाम्पल को हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के रूप में, कंट्रीब्यूशन के रूप में बात करते हैं, यानी कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी चला रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी संगठन चला रहे हैं, उस संगठन में अगर टीम की भावना नहीं है तो वो टीम कभी भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि जब टीम के रूप में ये काम करते हैं तो हर किसी का काम क्लियरली डिफाइंड होता है कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य किस समय पर करना है, किस फंक्शन को या डिपार्टमेंट को काम अपने तरीके से करना है। हर फंक्शन हर डिपार्टमेंट का काम क्लियरली डिफाइंड होता है जिसे सेपरेशन ऑफ ड्यूटी भी बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं होती, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की जरूरत होती है जो एक दूसरे का पूरक हो। एक हाथ को एक काम दिया जाता है, दूसरे हाथ को दूसरा काम और दोनों काम मिलके एक बड़ा काम बनता है। अगर सेम काम दोनों हाथ कर रहे हो तो कई बार ऐसा हो सकता है कि दोनों ही या तो बेकार हो जाएंगे या फिर दोनों ही अच्छे हो जाएंगे। दोनों अच्छे हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर बेकार हो गए तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम ध्वस्त हो सकता है। इसलिए अगर एक दूसरे के कार्य के पूरक बने तो कोई भी काम कभी बेकार नहीं हो सकता, यानी कि एक हाथ को एक काम करना आता है, दूसरे हाथ को दूसरा काम करना आता है, दोनों हाथ मिलकर किसी काम को भी बड़ा कर सकते हैं। दरअसल में इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर में बहुत माइन्यूट सा फर्क है, बहुत छोटी सी पतली सी लकीर है जिसे कई बार लोग क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर वो होता है जिसके अंदर उसकी खुद की क्षमता है और अपनी क्षमता के अनुसार वो टीम में कंट्रीब्यूशन कर सकता है और टीम का पूरक बनता है, कंट्रीब्यूटर बनता है। वहीं एक इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर वो होता है जो अपना काम सब कुछ खुद ही करता है और अपने हाथ से करता है, सब कुछ अपने सर पे लेके रखता है। ध्यान रखिए आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही पुरानी कहावत है अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता, यानी कि अगर आप अकेले चलेंगे तो कुछ काम तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कुछ समय तक सारे काम भी अच्छे से कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको टीम की जरूरत होती है क्योंकि आप अकेले दिन में मैक्सिमम कितने घंटे काम कर सकते हैं, पर्टिकुलर रेंज तक ही कर सकते हैं। जब दो दो चार और चार चार आठ लोग एक साथ मिलते हैं तो उनका टाइम का कंट्रीब्यूशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस तरीके से काम
तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इस कड़ी में एक और एग्जांपल देके समझते हैं। जब आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हैं लेकिन पूरक होते हैं, मतलब कि एक कार्य को पूरा करने में आप दूसरा कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर कोई जेलसी नहीं होती, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है और आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर एक ही कार्य कई सारे लोग कर रहे होते हैं तो उनकी आपस में कॉम्पिटिशन भी हो जाती है और जेलसी भी हो जाती है, और कई बार तो लेग पुलिंग भी होती है। यानी कि आप जो कार्य कर रहे होते हैं उस कार्य को कोई और व्यक्ति कर रहा हो तो आपसे जलना शुरू हो जाता है कि अरे आप उनसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और कई बार वो ये भी कोशिश करेगा कि आपको किस प्रकार से गिरा दिया जाए। जबकि वहीं पे दोनों व्यक्ति एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं लेकिन दो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करने में कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा और आप दोनों एक दूसरे का पूरक बन के कार्य को संपादित करने में हेल्प करेंगे। इस तर्ज पर चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो फैमिली हो, अगर एक ही फैमिली के अंदर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो लोग आपस में एक दूसरे को ये कहना शुरू कर दें कि मैं अपना काम खुद ही देख लूंगा, तुमको जो करना है कर लो, तो उस फैमिली या उस ऑर्गेनाइजेशन को ध्वस्त होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं पे जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हैं, जो काम को पूरा करने में सहयोग करते हैं, वहां पे राशि प्रोडक्शन के फिल्म जैसा माहौल होता है, जैसे कि हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, या फिर नदिया के पार। हिंदी की कोई सी भी फिल्म ले लीजिए जिसको राजश्री ने बनाया है, चाहे वो विवाह हो या फिर पुराना हम आपके हैं कौन, हर मूवी में आप ये पाएंगे कि एक टीम के रूप में फैमिली काम करती है। यानी कि चाहे वो फैमिली हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आपकी कोई कंपनी हो, हर जगह एक दूसरे का पूरक होने के बारे में सोचे, एक दूसरे की हेल्प करने के बारे में सोचे, तो आपकी ग्रोथ निश्चित होती है। यानी कि कुछ लोगों को कमाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कुछ लोगों को प्रोसेस करेक्शंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कुछ लोगों को खाने के बारे में ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोगों को स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, इस तरीके से हर इंडिविजुअल का अपना कंट्रीब्यूशन डिसाइड कीजिए, एसओपी बनाइए, उस एसओपी के अकॉर्डिंग हर किसी का कार्य क्लियर बनाइए, केआरएस शीट बनाइए कि किसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, उस रिस्पांसिबिलिटी के अकॉर्डिंग रिव्यू कीजिए। यही मामला अगर फैमिली का है तो फैमिली में भी कार्य निश्चित रखिए कि किसकी रिस्पांसिबिलिटी किस चीज के रिगार्डिंग है, कौन घर के बिजली बिल का ध्यान रखेगा, कौन घर के खाने का ध्यान रखेगा, कौन किचन का ध्यान रखेगा, कौन बाजार से सामान खरीद के लाने का ध्यान रखेगा, और कौन कमाने का ध्यान रखेगा, कौन बच्चों के परवरिश का ध्यान रखेगा, कौन उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखेगा, और कौन इस बात का ध्यान रखेगा कि पूरी फैमिली में हार्मोनी बना रहे। इस वीडियो से निश्चय ही आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें सुनने को मिली होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। लाइक कीजिए, इससे मुझे खुशी मिलेगी। और यह वीडियो कम से कम किसी ऐसे एक व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि उनको भी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज की जरूरत है, उनको भी समझना चाहिए कि कैसे टीम गेम हमेशा ही बड़ी होती है और सफलता की ओर लेके जाती है। आपके एक वीडियो शेयर से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है, कितने परिवारों की जिंदगी बदल सकती है, कितने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।